हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश। आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पिनकर टाइगर्स वर्सेस मिसानेक नाइट्स के बीच में होने वाले सेकंड मैच, और ये अफगानिस्तान लीग है और ये मैच यहाँ पर वनडे होने वाला है पूरा। और यहाँ पर स्पिनकर टाइगर्स और अफगानिस्तान के बीच में ये सेकेंड मैच है ये, और ये मैच देखा जाए तो 10:30 बजे खेला जाएंगे कल को। और ये मैच खंदार क्रिकेट स्टेडियम खंदार में खेला जाएंगे। यहाँ पर स्पिनकर टाइगर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस प्रकार होने वाला है। इकरम अली खिल विकेट कीपर है, 22 मैचों में 578 रन बनाया। और उस्मान गनी ने 35 मैच में 1054 रन बनाए। यहाँ पर समीउल्लाह सिनवारी की बात करें तो 137 मैचों में 3148 रन के साथ साथ 81 विकेट है। और जुबेद अकबरी की बात करें तो 5 मैच में 133 रन के साथ साथ 11 विकेट है। और ताहिर खान की बात करें तो यहाँ पर 8 मैच में 237 रन के साथ साथ 5 विकेट है। और खवियस अहमद की बात करें तो 9 मैच में 12 विकेट, और फरहद मोहम्मद ने 4 मैच में 7 विकेट लिए। यहाँ पर अफताब आलम की बात करें यहाँ पर 42 मैचों में 61 विकेट है। और यहाँ पर बाहिर शाह की 9 मैच में 304 रन है। यहाँ पर तारिक स्थानिक जाय की बात करें तो 15 मैच में 274 रन के साथ साथ 15 विकेट है। यहाँ पर तामिम सुक्रोदी की बात करें तो 1 मैच में 22 रन है। फ्रेंड, यहाँ पर वही मिसानेक नाइट्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस प्रकार होने वाला है। रहमान उल्ला गुरबाज है, 23 मैच में 578 रन बनाए। यहाँ पर रहमत शाह की बात करें तो इस प्रकार है, 112 मैच में 3485 रन के 85 रन है। और नूर अली जदरान ने 78 मैचेस में 2047 रन बनाए। और यहाँ पर गमाई जदरान ने 11 मैच में 347 रन है। यहाँ पर सदीबुल्ला कमल की बात करें तो 26 मैच में 762 रन के साथ साथ 8 विकेट है। और असगर अतल की बात करें तो एक ही मैच के लिए और 11 रन है। यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम की बात करें तो 11 मैच में 13 विकेट है। और जहीर खान की बात करें तो 10 मैच में 21 विकेट है। और नूर अहमद की बात करें तो 15 मैच में 192 रन है। और यहाँ पर मोहम्मद शहजादे की बात करें तो 84 मैचों में 2727 रन, और हसमतुल्ला साहिदी ने 39 मैचों में 1062 रन बनाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बेस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन की बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम में, आप यहाँ पर इन प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। उस्मान गनी, रहमत शाह, समीउल्लाह सिनवारी, नूर अली जदरान और गमाई जदरान है, और ये की बैट्समैन होने वाला है ड्रीम इलेवन टीम के लिए। यहाँ पर वही बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर्स की बात करो, यहाँ पर अफताब आलम, खवियस अहमद, बातिन शाह, जहीर खान और जी आर रहमान है। और यहाँ पर ये प्लेयर ये बॉलर्स सब आपको ड्रीम इलेवन में की बॉलर्स होने वाले हैं। यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करो तो रहमत शाह, जहीर खान, खवियस अहमद, सदीउल्लाह कमाल, उस्मान गनी और समीउल्लाह सिनवारी है। आपको यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में मेरे हिसाब से ये प्लेयर काफ़ी है आपको ड्रीम इलेवन टीम के लिए। और यहाँ पर आपको ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो यहाँ पर ये टीम मेरे हिसाब से मैंने बनाया। आप यहाँ पर कुछ बदलाव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं स्टार्ट्स के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है प्लेयर के, वो प्लेयर के हिसाब से आप टीम बना लेना। और मेरे हिसाब से विकेट कीपर में बेस्ट ऑप्शन है रहमानुल्ला गुरबाज, और यहाँ पर बैट्समैन में उस्मान गनी, समीउल्लाह सिनवारी, नूर अली जदरान, गमाई जदरान और रहमत शाह है। और यहाँ पर मैंने उस्मान गनी और नूर अली जदरान को कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज किया है। और यहाँ पर ऑलराउंडर में शहीदुल्ला कमाल है। यहाँ पर बॉलर्स की बात करें तो खवियस अहमद, जहीर खान, नूर अहमद और फरहद मोमान है। फ्रेंड्स, यही है पूरी टीम डिटेल्स। एंड अगर आपको इसी तरह मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन सारे डिटेल्स आपको चाहिए तो पहले आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा। और उसी के साथ साथ घंटी वाला बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा, इससे आपको पूरी डिटेल्स मेरे हर मैच का वीडियो मैंने कवर करते आ रहा हूँ। अब इससे आपको ड्रीम इलेवन में इजीली विनिंग मोमेंट मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर यही है फ्रेंड्स पूरी टीम डिटेल्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।